हमारी मेन बार ने नंबर ऑफ जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न अथॉरिटीज़ को दी थी, जो हमारी जेन्युइन डिमांड थी। जेन्युइन डिमांड क्या है? सिंगल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमारी यहाँ पे बनाना, यहाँ पर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बनाना, रजिस्ट्रेशन वर्क, कैट जो आज सफ़र कर रहा है, बेंच ही नहीं है वहाँ पर और लोग लिटिगेंट इतना सफ़र कर रहा है। आपने अगर DRT है जो 50 लाख के ऊपर की जो उसकी है, उसकी अपील रख दी है DRT में जो चंडीगढ़ में है। आप मुझे बताइए जो आम नागरिक है वो कहाँ पर चंडीगढ़ में ट्रैवल करेगा? जो सहूलतें उसको जम्मू में मिलती थी उसको चंडीगढ़ 350-400 किलोमीटर जाने के लिए कितना सफर करेगा? नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन दी, हमारी पेरिफेरीज बाहर है, सांबा है, उधमपुर है, रजौरी है, पुंछ है, उनके जो काम थे रजिस्ट्रेशन वर्क या उनके कुछ और काम थे जो कंज्यूमर कोर्सी, उनसे छीन ली गई। आपका काम है कि काम को ज्यादा से ज्यादा प्रिसाइज बनाना और लोग आप एक जगह आप आवाज उठाते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम करना। और यहाँ पे आपने कोर्टों को ऐसे इतनी ब्रांचेज ऐसे खोल दी हैं जिनको लिटिगेंट सफर कर रहा है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए हमारी बार ने नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को दी, कंसर्न अथॉरिटीज को दी, कंसर्न डिपार्टमेंट को दी, जुडिशियल ऑफिसर्स को दी, बट आज तक शर्म की बात है इनके कानों में जू नहीं रेंगी और कोई आज तक हमें बेनिफिट नहीं मिला। और आज मजबूर हो गए हैं कि हमें रोडों पर आना पड़ रहा है। और जब हम उनसे पूछते हैं और उनकी एक स्टेटमेंट आती है कि आज तक हमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आती है, शेम ऑन द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, शेम ऑन द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। आप नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम ऑफिस से आपको लगा बता सकते हैं, उसका नंबर उनकी रिसीविंग बता सकते हैं, कितनी रिप्रेजेंटेशन आज तक कंसर्न अथॉरिटी तक दी गई हैं। और आप वहां से बोलते हैं हमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और आप वकीलों को हल्के में मत लीजिए। आई यंग लॉयर एसोसिएशन ने अपनी मेन बार की जो हमारी कॉल है उसको पूरा सपोर्ट किया है और आगे भी जो हमारा जनरल हाउस या कुछ भी होगा जो जिसमें कोई डिसाइड होगा हम उसको आगे अपने मुद्दों को आगे लेते चलेंगे। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।